Hi, I'm Shaniza Hussain from Batulolo Ba, and Mirchi FM is number one in Ba. Mera naam hai Tuate Namaka Nendike. Mirchi FM Julum hai mama. I'm Sharon from Lomolomolo Toka, and I'm a big fan of Mirchi FM. I'm Ravindra Singh from Nambitu Singatoka, and I love Mirchi FM because it always plays hit songs. I'm Safina from Bin Bin Coffee House. I love listening to Mirchi FM, and it's really hot. Mirchi FM, it's hot. नमस्कार समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। 22 वर्षीय पापुआ न्यू गिनी नेशनल मैथ्यू गुनुआ को आज शाम हाईकोर्ट ने उनके अभियोगों से बाइज्जत बरी कर दिया है। गुनुआ पर हत्या करने की कोशिश, घर में आग लगाने, टैक्सी को क्षति पहुंचाने का अभियोग लगा था। ये घटना अक्टूबर 2015 में नरेरे नवोसाई में घटी थी, जिसमें बिनेश प्रसाद की पत्नी और बेटी के साथ तीन और लोगों की मृत्यु हो गई थी। गुनुआ पर आरोप था कि उसने अपराध में बिनेश प्रसाद का साथ दिया था। गुनुआ के परिवार वाले अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए जब हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। असेसर्स ने एक घंटे तक विचार करने के बाद गुनुआ को इन अभियोगों के लिए कसूरवार नहीं पाया। फिलहाल बिनेश प्रसाद ने अपने अभियोगों को स्वीकार कर लिया है तथा उसे कल सजा सुनाई जाएगी। फिजी के इतिहास में ट्रॉपिकल साइक्लोन वोस्ट नेचुरल डिजास्टर कहा जा रहा है तथा इसे याद करने के लिए एक नेशनल इवेंट की आयोजना की गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस का कहना है कि इतने बड़े नेचुरल डिजास्टर को याद करने की जरूरत है क्योंकि इससे देश और मजबूत हो गया है। डायरेक्टर अकपुसी तुईफंगलेले का कहना है कि इस दिन उन 44 लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। सोमवार को एल्बर्ट पार्क पर एक मिनट का मौन रखा जाएगा तथा इन लोगों को याद किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जल्द ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर्मुलेट करेगा ताकि स्कूल्स में ह्यूमन राइट्स विषय को भी पढ़ाया जा सके। ये विषय उस घटना के बाद सामने आई है जिसके तहत क्वीन विक्टोरिया स्कूल के 28 वर्षीय स्कूल टीचर और 5 सीनियर स्टूडेंट्स पर किसी को पीटने का अभियोग लगाया गया है। ये स्टूडेंट्स 17 से 19 वर्ष के बीच के हैं। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन अश्विन राज का कहना है कि इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ बातचीत शुरू हो गई है जिसके तहत क्लासरूम्स में ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। और खेलकूद की खबरों में वोडाफोन फिजी नेशनल फुटबॉल टीम जबकि अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 वर्ल्ड कप स्टेज 3 क्वालिफायर की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में कोच का कहना है कि बारिश को एक्सक्यूज की तरह यूज करके ट्रेनिंग बंद नहीं करना चाहिए। कोच क्रिस्टोफर गेमल का कहना है कि मौसम बदलते रहता है तथा प्लेयर्स को किसी भी स्थिति में खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीम अगले 2 हफ्तों तक कैंप में रहेगी। फिजी और न्यूजीलैंड के बीच कप स्टेज 3 क्वालिफायर अगले महीने 25 को चर्चिल पार्क लोतोका में होगी। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। कबली ताबुआ रहता है, हमारा नाम है रमेश चंद और हमारी मछली के धंधा है और हम सब टाइम रेडियो फिजी 2 सुनता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।